नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ नौजवानों का गुस्सा फूट रहा है। हरियाणा समेत कई राज्यों में गुस्साए नौजवानों ने रेल संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। इसी बवाल के चलते हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवा तक बंद कर दी गई है। विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने हालांकि इसमें कुछ बदलाव भी किए हैं, लेकिन बावजूद इसके लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अम्बाला में रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशन समेत किसी अनहोनी से बचाव के लिए जीआरपी कैंप रेलवे स्टेशन पर गश्त कर रही है। थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि देश में चल रहे अग्निपथ के बवाल को देखते हुए अम्बाला रेलवे स्टेशन की सुरक्षा के लिए उन्होंने आज यहाँ बैठे यात्रियों के सामान की भी चेकिंग की। इसी के साथ उन्होंने वहाँ खड़ी कई रेलगाड़ियों को भी जांचा ताकि कोई भी उपद्रवी यहाँ पर कोई हरकत ना कर सके। एसएचओ ने बताया कि इसी को देखते हुए जीआरपी के जवानों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं और उन्हें जगह जगह सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। उन्होंने माना कि फिलहाल अम्बाला में इस प्रकार का कोई भी रोष नहीं है, लेकिन बावजूद इसके रेलवे स्टेशन और रेलगाड़ियों की सुरक्षा करना जीआरपी का काम है। उनका कहना है कि उच्च अधिकारियों के आदेश पर ही वे यहां अपने कमांडो समेत जांच में जुटे हुए हैं और जीआरपी के अन्य जवान भी जगह जगह तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी उपद्रवी रेलवे संपत्ति को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचा सके। अम्बाला से हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर सुरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। इसमें जो अग्निपथ के बारे में युवाओं में विरोध हो रहा है और रेलवे संपत्ति नुकसान हो रहा है अदर स्टेटों में, इस कारण अम्बाला में भी यही व्यवस्था की गई है। पर हमारे यहाँ अभी स्थिति शांतिप्रिय है और ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं है। छुट्टियाँ वगैरह रद्द की गई है? ये छुट्टियाँ ऊपर से आदेश आया हुआ, छुट्टी बंद है, छुट्टियाँ रेस्ट। हाँ जी, कोई इस तरह का कोई युवा मिला आता जाता जो यहाँ नहीं? ऐसा भी कोई युवा नहीं मिला, यहाँ पे शांति है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।